गाइस, मैं हूं दीपक सिंह और आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की विभिन्न ब्रांचेस के बारे में, मतलब यहां पर शाखाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक हम इसी के साथ कवर कर लेंगे, वो है कि मान लीजिए कोई शब्द है जैसे कि एग्रीकल्चर है, ये किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, दो टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे, एक ब्रांचेस हो जाएगी और एक किस भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है। ठीक है, दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, इसलिए याद रखिएगा वीडियो एक बार पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपकी सभी डाउट है सभी टॉपिक से, यानी जो टॉपिक है इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो वैसे आप सभी को पता होगा, तो एग्रीकल्चर जो शब्द है याद रखिएगा, इसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पहले तो किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है याद रखिएगा एगर प्लस कल्चरा। एगर प्लस कल्चरा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एग्रा एगर का मतलब होता है याद रखिएगा सोइल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है कल्चरा का मतलब? कल्टीवेशन। अब यहां पर याद रखिएगा सोइल का तो आप जानते हैं कि मृदा, और कल्टीवेशन का अर्थ होता है खेती करना। मतलब अगर डेफिनेशन इसकी क्लियर करना चाहो तो मृदा पर जितनी भी जो कृषि क्रियाएं है जो कि खेती करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती है याद रखिएगा एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ये लिया गया याद रखिएगा लैटिन। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा ऐसे वर्ड जिनके पीछे क्या जुड़ा होता है याद रखिएगा कल्चर। यहां पर एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसे शब्द जिनके पीछे क्या जुड़ा है कल्चर, वो किस भाषा के शब्द होते हैं याद रखिएगा, वो होते हैं लैटिन भाषा के शब्द। और ऐसे शब्द जिनके पीछे क्या जुड़ा है याद रखिएगा लॉजी या फिर नोमी, वो किस भाषा के शब्द होते हैं याद रखिएगा, वो होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब यहां पर इनके एग्जांपल की मैं बात करूं, तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमने फर्स्ट क्या किया कल्चर, तो कल्चर के आप एग्जांपल ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पीसी कल्चर हुआ, ओलेरीकल्चर हुआ, कोई सा भी कल्चर आप ले सकते हो। ये सभी शब्द है ये किस भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा के शब्दों से लिए गए शब्द है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्लियर होता है कल्चर वर्ड का, जो कि लैटिन भाषा के शब्दों से लिया होता है। सेकेंड पॉइंट है लॉजी या नोमी, जैसे कि जूलॉजी हुआ, ठीक है, बायोलॉजी हुआ, तो इन दोनों शब्दों के पीछे क्या जुड़ा है लॉजी जुड़ा है। यहां पर आप एक बार नोट डाउन कर ले इसको कि एक और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जूलॉजी, एक बायोलॉजी, ऐसे जितने भी जो वर्ड हैं जिनके पीछे क्या जुड़ा है लॉजी, वो सभी किस भाषा के होते हैं याद रखिए ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इसके साथ साथ नोमी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एग्रोनोमी ही आप ले सकते हो, तो याद रखिएगा एग्रोनोमी में नोमी पीछे जुड़ा हुआ है, और जूलॉजी में लॉजी, और बायोलॉजी में लॉजी। मतलब लॉजी और नोमी अगर कोई शब्द के पीछे जुड़ा है, वो दोनों ही शब्द मतलब लॉजी और नोमी वाले एक ग्रीक भाषा के शब्दों से लिए गए शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को आप नोट डाउन जरूर कर ले, इससे काफी क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप यहां पर समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने बात की एग्रीकल्चर, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना होता है याद रखिए एगर प्लस कल्चरा से ये मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ एगर का मीन्स होता है सोइल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर हम बात करते हैं हिंदी अर्थ, तो सोइल को मृदा कहते हैं, आप तो सभी जानते हैं। तो मृदा पर खेती करने के लिए जितनी भी जो कृषि क्रियाएं की जाती है, समस्त कृषि क्रियाओं को क्या बोला जाता है एग्रीकल्चर बोला जाता है। मतलब डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है, आप यहाँ पर सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद में आपका आता है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इतना तो हमने जान लिया। तो इसमें याद रखिएगा दो क्वेश्चंस मेजर बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि एग्रीकल्चर शब्द ही किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सेकेंड क्वेश्चन है ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर प्लस कल्चरा शब्द से मिलकर एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बना होता है। दोनों क्वेश्चन से याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। अब याद रखिएगा हमने एग्रीकल्चर के
डेफिनेशन वगैरह क्लियर कर लिए हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के टाइप, मतलब इसकी जो मेजर ब्रांचेज है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब यहां पर याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के हम मेजर ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्यतः चार भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि एग्रो, हॉर्टी, एनिमल हस्बेंड्री और एंटोमोलॉजी। अब यहां पर याद रखिए, आपकी जो सिलेबस में है वो तीन ही सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया गया है, तो उन्हीं को यहां पर हम कवर करेंगे। जो एंटोमोलॉजी वाला पार्ट है इसे हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपके सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, फर्स्ट क्या है, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर याद रखिएगा, एग्रोनॉमी है ये एग्रोस प्लस नॉमस शब्दों से मिलकर बना होता है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर हॉर्टस प्लस कल्चर शब्द से मिलकर बना होता है। तो अभी जो आपको सोल ट्रिक बताई थी उससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो एग्रोनॉमी है ये किस भाषा का शब्द है, मतलब किन भाषा के शब्दों से ये मिलकर बना होता है। ये होता है, याद रखिएगा, ग्रीक। क्योंकि अभी हमने जाना कि जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी जुड़ा होता है वो किस भाषा का शब्द होता है, होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसी के अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो अभी तो आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर जुड़ा है वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन आप जरूर नोट डाउन कर सकते हो कि एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में याद रखिएगा किसका अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ब्रांचेस के बारे में अब क्लियर हो चुका है, तो अब इसकी अदर ब्रांचेस है, ये तो हमने जो इसका डिवाइडेशन है जो कि मेजर है उनके बारे में बात कर ली है। तो अब हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, विभिन्न शाखाओं के बारे में। और याद रखिए, विभिन्न शाखाओं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप एक बार अगर क्लियर करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने जाना, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की याद रखिएगा मुख्यतः इसके तीन पार्ट में इससे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होता है पोमोलॉजी, एक होता है ओलेरिकल्चर। बहुत सारी ब्रांचेज है वैसे, इसे हम सभी को जान लेते हैं एक एक करके। मेजर पोर्शंस की हम यहां पर केवल बात करेंगे, ठीक है। अदर ब्रांचेज है उनके बारे में ना तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे पहले है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन करना, पोमोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब यहां पर याद रखिएगा, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी लॉजी, ऐसे वर्ड जिनके पीछे क्या जुड़ा होता है, लॉजी होता है, वो किस भाषा के शब्द होते हैं, ग्रीक भाषा के। लेकिन अब याद रखिएगा, इस शॉर्ट ट्रिक का ये एक अपवाद है, तो इसे आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है कि पोमोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति है ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, पोमो प्लस लोगस। इसकी जो उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा, ये होती है पोमो प्लस लोगस शब्दों से, जिसमें जो पोमो वर्ड है, याद रखिएगा, ये होता है लैटिन भाषा का शब्द, और जो लोगस होता है ये होता है, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा का शब्द। दोबारा से देख लीजिए, पोमोलॉजी किसे बोलता है, फलों की खेती का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी का जो शब्द की उत्पत्ति है ये दो शब्दों से मिलकर हुई है, एक होता है पोमम प्लस लोगस। पोमो प्लस लोगस से मिलकर पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जिसमें से याद रखिएगा, जो पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगस है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि पोमोलॉजी किस भाषा के शब्द है तो आपको क्या बताना है, लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से ये शब्द मिलकर बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओलेरिकल्चर, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, याद रखिएगा, फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग,
ऑर्नामेंटल गार्डनिंग याद रखिएगा अलंकृत वाले, मतलब जिन पौधों को सजावट के रूप में हम यूज करते हैं उनको बोलाते हैं ऑर्नामेंटल, अलंकृत। ठीक है, तो ये भी आपके पोर्शन में नहीं है शायद, इसको देखना पड़ेगा एक बार। तो अब ये हम केवल थोड़ा सा बेसिक बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो कंप्लीट हम बात करेंगे वो चैप्टर वाइज हम करते जाएंगे। ठीक है, अभी आप बस ये याद रखिए पोमोलॉजी, फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती का करना, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जिसमें अलंकृत पौधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब सजावट के रूप में जितने भी जो पौधे हैं उनका अध्ययन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहां पर याद रखिएगा सोइल साइंस की ओर चलते हैं। तो सोइल साइंस सबसे पहले याद रखिए आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो सोइल शब्द है, मतलब सोइल साइंस जो शब्द है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो याद रखिए ये भी एक लैटिन भाषा के शब्द से ही लिया गया है, और कौन से शब्द से, सोलम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श होता है। सोइल साइंस शब्द याद रखिएगा लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ फ्लोर होता है और जिसे हिंदी में फर्श बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सारे पॉइंट यहां पर आपके क्लियर हो चुके हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, सोइल साइंस शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, किस भाषा के शब्द मतलब लैटिन, और कौन से शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ फ्लोर होता है या फर्श होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा मानसून। ठीक है, जो बरसात आती है उसे क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, मानसून के जरिए ही बरसात यहां पर होती है, तो उसी के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा, मोसिन से। और ये किस भाषा का शब्द होता है, मोसिन ये होता है, याद रखिएगा, अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मानसून किस भाषा के शब्द से लिया गया है, अरबी भाषा के शब्द मोसिन से लिया गया है। अब अगर हम बात कर रहे हैं अरबी की, तो इसी से संबंधित तीन पॉइंट जरूर नोट डाउन कर ले, जैसे कि आपने तीनों ऋतु पढ़ी होगी, रबी खरीफ और जायद, तीनों सीजन है, आपने सभी ने पढ़ी है, यहां पर ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं जिन्होंने इनके बारे में जाना नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये जो शब्द है, मतलब रबी खरीफ और जायद, रबी खरीफ और जायद, ये इनकी शब्द की उत्पत्ति भी किस भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा के शब्द से ही हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मोसिन से हुई है, और रबी खरीफ और जायद की शब्द की उत्पत्ति भी किस भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा के शब्द से ही हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, याद रखिएगा, संस्कृत वाले, जो भी याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को यहां पर हम बात करेंगे। ऐसे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, कपास और गन्ना। गन्ना और कपास, याद रखिएगा दोनों जो शब्द है ये दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, और दोनों ही शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा से। जिसमें से याद रखिएगा जो गन्ना शब्द है ये सुगर शब्द जो कि संस्कृत का है, या फिर आप मान सकते हो सुगर कैन जो शब्द जो कि किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है, उससे मिलकर बना होता है। और अगर हम बात करते हैं कपास, तो कपास याद रखिएगा कुरपासन,
ये जो शब्द है ये किसे लिया गया है, कृपासन से, और कृपासन किस भाषा का शब्द होता है याद रखिएगा, संस्कृत का होता है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कर ले कि गन्ना और कपास दोनों संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जिनमें से जो गन्ना है ये सुगर या सुगर के शब्द जो कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है इससे मिलकर बना होता है, और अगर हम बात करते हैं कपास तो कपास कृपासन शब्द जो कि संस्कृत का होता है इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं, याद रखिए, एक होती है सेरी कल्चर, एक होता है लेक कल्चर। एक होता है सेरिकल्चर, एक होता है लेक कल्चर। तो अब याद रखिए दोनों को आपको एक साथ यहां पर याद करना है। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। और लाख वाले कीट का अध्ययन लेक कल्चर में किया जाता है। दोनों को आप एक साथ जरूर नोट कर लें क्योंकि दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन करना और लेक कल्चर लाख कीट का पालन करना लेक कल्चर कहलाता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोरी कल्चर, एक होता है याद रखिए इरेमो कल्चर। मोरी कल्चर में याद रखिएगा सहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है, मोरी कल्चर जिसमें सहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। और इरेमोलॉजी याद रखिएगा काफी अच्छा पॉइंट है और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि मोरी कल्चर में सहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है और इरेमो कल्चर में, मतलब इरेमोलॉजी या फिर इरेमो कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा रेगिस्तान का अध्ययन किया जाता है। रेगिस्तान का अध्ययन करना इरेमोलॉजी कहलाता है, ये इरेमो कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा सोयल साइंस की मुख्यतः दो ब्रांचेज है। सोयल साइंस में मुख्यतः याद रखिएगा दो डेफिनेशन आपको पक्का पूछी जाती है, एक आपको पूछी जाती है पेडोलॉजी के बारे में, एक आपको पूछी जाती है याद रखिएगा इडेफोलॉजी के बारे में। दोनों को आपको एक साथ याद रखना होगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब यहां पर याद रखिएगा कि पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी का मतलब होता है याद रखिएगा मृदा विज्ञान या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का उत्पत्ति वर्णन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का उत्पत्ति उसके वर्णन और उसके वर्गीकरण का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बोला सा याद रखिएगा पेडोलॉजी। और इडेफोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे की वृद्धि का संबंध मृदा से किया जाता है, पौधे की वृद्धि की संबंध मृदा से किया जाता है उसे क्या बोला जाता है याद रखिएगा एडेफोलॉजी बोला जाता है। अब यहां पर आप एक डायरेक्ट संबंध समझ लीजिए कि मान लीजिए केवल मृदा का वर्णन उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण, मृदा के वर्णन उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा कि जब याद रखिएगा मृदा का पौधे की वृद्धि से संबंध ज्ञात किया जाता है, मृदा का जब पौधे की वृद्धि से जो संबंध ज्ञात किया जाता है इसी को याद रखिएगा एडेफोलॉजी बोला जाता है। आसानी से याद रख पाओगे, एक में हम केवल बात कर रहे हैं याद रखिएगा मृदा की, और इडेफोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, मृदा प्लस पौधों की। याद रखिएगा इसी पॉइंट को यहां पर आपको ध्यान रखना है कि केवल मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन इडेफोलॉजी कहलाता है। दोनों डेफिनेशन याद हो चुके हैं, याद रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए
वैसे यहाँ पर याद रखिए जितने भी जो मेजर क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं, तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप क्लास को रिपीट कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और जो कि मेजर क्वेश्चंस बनता है एग्रोस्ट्रोलॉजी। क्या बनता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी याद रखिएगा, नाम सही स्पष्ट हो रहा है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों की खेती का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या? एग्रोस क्या? एग्रोस मतलब घास। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एग्रोस्टो मतलब एग्रोस मतलब ग्रास, ठीक है। इसी से आप याद रखिएगा घास, ग्रास मतलब घास, तो घास की खेती का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक होता है आर्बोरिकल्चर, साग झाड़ियों का अध्ययन, साग झाड़ियों का अध्ययन करना आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। साग झाड़ियों का अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है और एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों की खेती का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी। अब यहां तक याद रखिएगा कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है और एग्रो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब याद रखिएगा कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, इकोलॉजी में याद रखिएगा जो भी हमारे चारों तरफ का वातावरण है या फिर आप मान सकते हो पौधों के चारों तरफ का जो वातावरण है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा इकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। वातावरण से संबंधित जितनी भी जो क्रिया है उनका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा एग्रो इकोलॉजी, तो एग्रो इकोलॉजी का मतलब हो जाता है एग्रो, एग्रो मतलब फसलों की खेती करना और इकोलॉजी का मतलब उसके वातावरण के बारे में अध्ययन करना। तो इन दोनों अगर हम टर्म को जोड़ देते हैं तो इससे क्या बनता है, इसकी डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है और इस शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा दो शब्दों से हुई है, मतलब एग्रो प्लस इकोलॉजी। आप डेफिनेशन कैसे क्लियर करोगे कि एक होता है एग्रो और एक होता है इकोलॉजी, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए जो डेफिनेशन बनेगी वो एग्रो इकोलॉजी की डेफिनेशन है, मतलब फसल व उनके वातावरण के बारे में अध्ययन करना, फसल व उनके वातावरण के अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आसानी से हो चुका है, बस यार थोड़ा सा टर्म को समझा करो पहले, उसके बाद में ही राइट आंसर दिया करो, वो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सभी डेफिनेशन यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी है, लगभग हमने यहाँ पर सभी ब्रांचेस को क्लियर कर लिया है। एक आप लेते हो याद रखिएगा मेट्रोलॉजी, तो मौसम विज्ञान का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। एक होता है निमेटोलॉजी, एक होता है याद रखिएगा एंटोमोलॉजी, एक होता है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी याद रखिएगा निमेटोड का अध्ययन, आपने पढ़ा होगा याद रखिएगा जो गेहूं में जो सेहू रोग होता है वो किससे होता है? निमेटोड से होता है। तो याद रखिएगा निमेटोलॉजी किसे बोला जाता है? निमेटोड की खेती, सॉरी निमेटोड का अध्ययन करना। निमेटोड एक जीव होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रोग फैलाने का कार्य करता है निमेटोड। तो याद रखिएगा निमेटोड की, निमेटोड का अध्ययन करना निमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी जैसे कि शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट पतंगों का अध्ययन करना, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ टिड्डा दीमक ये सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? याद रखिए एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। कीट पतंगों का अध्ययन, इसमें निमेटोड का अध्ययन,
और प्लांट पैथोलॉजी में याद रखिएगा पादप रोगों का मतलब पादप रोग किसे होते हैं सबसे पहले तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कवक हुआ, कोई जीवाणु हुआ, कोई फंजाई, कोई वायरस हुआ, इन सभी के कारण होता है क्या पादप रोग। तो इन पादप रोग जनकों का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो, इसे आप नोट कर सकते हो, पादप रोग जनकों का अध्ययन। क्या? पादप रोग जनकों का अध्ययन। ठीक है, यहां पर जितनी भी जो आपकी ब्रांचेज है जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हम यहां पर अभी तक क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज यार वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ साथ ये जरूर बता देना कि आपको यहाँ पर जो क्लासेस लग रही है क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस से रिलेटेड, दिखने से रिलेटेड, कैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, तक ले सही चलो भाई, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।